हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुकिंग स्माइल। मैं हूँ अनामिका। मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ शाही टोस्ट की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दो ब्रेड ले ली है, इनके साइड्स के ये मैं जो हैं इसको मैं कट कर रही हूँ। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे मैंने साइड के निकाल दिए हैं। अब इसको मैं बीच से कट कर रही हूँ और इसको इस यहाँ से भी कट किया मैंने, और बस इसी तरीके से छोटे छोटे पीस कट कर रेडी हैं। अब यहाँ पे ऑयल है वो गर्म हो गया है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है मीडियम आंच पे, और इसको मैंने पलट भी दिया है दोनों साइड से, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और बस इसको अब एक प्लेट में निकाल लें। अब इसके बाद मैं चाशनी है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी ली है, क्योंकि मेरे पास दो ही ब्रेड मैंने बनाई है, दो ही ब्रेड की। तो बस वहाँ पे मैं थोड़ा पानी डाला है और यहाँ पे मैंने चाशनी बनाई है। चाशनी बनकर रेडी है। अभी जो टुकड़े हैं इसको मैं इसमें डिप कर रही हूँ। आप यहाँ पे ज़्यादा भी चाशनी बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ही चाशनी में इसे मैं डिप कर रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चाशनी भी बना सकते हैं। तो बस इसको मैंने इसी तरीके से एक मिनट के लिए इस पर रखा हुआ है, और इसको मैंने पलट भी दिया है कि दोनों तरफ से चाशनी की कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ये खोया है वो लगा दिया है। आप मिल्क लीजिए और वहाँ पे पाउडर जो आता है मिल्क पाउडर वो डालिए, और उसको बस एक दो तीन मिनट तक पका लीजिए। तो बस ये देखिए टोस्ट पे मैंने ये लगा दिया है, और इसके पर मैंने थोड़ा गार्निश कर दिया है बादाम के टुकड़ों से। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी बनी है। आप खोया भी यूज़ कर सकते हैं, आप या पेड़े वगैरह आते हैं उनको भी मैश करके लगा सकते हैं। तो ये शाही टोस्ट की रेसिपी आप सभी लोग अच्छी लगी है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी मेरी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके।